हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जैसे हेनरीज लॉ पढ़े, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़े, उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, और वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब ना, लिक्विड कोई भी कंपोनेंट अगर आप लिक्विड का ले लें तो वो वेपर फॉर्म है, वो जो प्रेशर अप्लाइड करता है उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सब इससे रिलेटेड आएगा, चाहे वो रॉल्स लॉ, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, दे ऑल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर है क्या? नाम से तो सिंपल पता चल रहा है कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है उसको वेपर प्रेशर हो, लेकिन ऐसा हम लोग देखते कहां? सपोज करिए हम लोग एक ना ओपन कंटेनर और इसको खुला छोड़ देते हैं, और इसमें कोई भी एक लिक्विड कंपोनेंट डाल लेते हैं, जैसे ए बी कोई भी वाटर, मिल्क, अल्कोहल, जो भी डालो, तब ना प्रोबेबिलिटी क्या है कि देयर आर द लिक्विड मॉलिक्यूल। जैसे मान लेते हैं ए एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसके सरफेस पे नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा एक, इसका एक, और नीचे भी नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। लेकिन जो मॉलिक्यूल लिक्विड का सरफेस पे होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वो अदर से ज्यादा एनर्जी पॉसिबिलिटी है उसके पास। ये क्या करता है? वेपर फॉर्म में एस्केप करना स्टार्ट करता है। अब अगर ये कंटेनर ओपन है तब तो ये एयर में जाके मिल जाएगा, तब तो कोई प्रेशर ही नहीं लगाएगा, बिकॉज इट विन द ओपन कंटेनर रेट ऑफ द इवोपरेशन इज वेरी हाई। तब उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इवोपरेशन, या उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। मतलब सिर्फ रेट, जितना भी सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल है सब वो वेपर बन करके हवा में एस्केप कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर यही कंटेनर को, अब जैसे बहुत सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जांपल्स नहीं देखते हैं, कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल होता है उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हम लोग उसको छोड़ते हैं दे स्टार्ट द इवोपरेशन। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोलते, जैसे तुम क्या करो, एक ठंडा वाटर बॉटल या ठंडा पानी का बॉटल फ्रिज से निकालो या कोल्ड ड्रिंक्स निकालो, उसको ग्लास में डालो, तो ग्लास में डालते उससे कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट करते, और सर्टेन टाइम के बाद ये शांत हो जाता है। तो क्यों बबल्स रिलीज हुआ? इसका मतलब सम मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, कूल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग देखते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत कम है और एयर का टेम्परेचर अधिक है, तो जो सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल है वो एयर से एनर्जी लेता है एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द वेपर। तो ये ओपन कंटेनर था, इसलिए क्या हो गया, ये सब गैस जाकर के एयर में मिक्स हो जाता। लेकिन अगर यही चीज हम क्लोज कंटेनर कर दें, मान लो इस कंटेनर का ढक्कन को बंद कर देते हैं, अब क्या होगा? अब ये जो मॉलिक्यूल है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये एस्केप तो एयर में नहीं कर सकता, धीरे धीरे यहां वेपर जमा हो जाएगा, तो वापस ये जो इवोपरेशन हुआ था, अब ये वापस जो वेपर था ना, वो कंडेंसेशन बनना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं हम लोग नहीं देखते, देख सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल, उसमें से आधा कोल्ड ड्रिंक ग्लास में रख दो, फिर ढक्कन बन रहा, देखना सरफेस पे, अपर सरफेस पे वह कंडेंस फॉर्म में जमा होता है, तो कैसे? इसका मतलब जो वेपर था वो धीरे धीरे किस फॉर्म में स्टार्ट होना स्टार्ट होता है? कंडेंसेशन के फॉर्म। तो वैसे ही हम लोग जब ये कंटेनर क्लोज करते हैं तो एक साइड से इवोपरेशन हो रहा है, जो सरफेस पे जमा हो रहा है अपर सरफेस पे, सर्टेन टाइम जैसे सरफेस को टच करता है दे स्टार्ट द कंडेंसेशन, वो धीरे धीरे क्या होता है? कंडेंस फॉर्म में। तो एक सर्टेन टाइम के बाद एक ऐसा कंडीशन आता है जब रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, और जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम। अब जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तब जो वाटर का लेयर का सरफेस मॉलिक्यूल है अब इवोपरेट नहीं हो रहा है, जितना इवोपरेट हो रहा है उतना कंडेंस हो रहा है, तो भाई क्यों? इसका मतलब ये जो वेपर बन गया है लिक्विड का, ये एक सर्टेन प्रेशर लगाता है अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये जितना प्रेशर लगाता है अपने ही सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल पे, उसी प्रेशर को हम लोग खाली नाम रखेंगे क्या? वेपर प्रेशर।
मतलब व्हाट इज वेपर प्रेशर, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये कंटेनर क्लोज होना चाहिए और व्हेन इट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तब तो जितना गैस बनेगा सब एस्केप करते जाए। तो सबसे फर्स्ट कंटेनर क्लोज होना चाहिए। ओपन कंटेनर में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन वो प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एयर में जाकर के मिक्स करेगा। तो प्रेशर कब अप्लाइड होगा? जब ये कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। और कब? जब रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ क्या? कंडेंसेशन। तो जब ये दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल और वेपर मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में आ गया तब ये जो वेपर ऑफ लिक्विड है ये क्या करता है? अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों? ताकि जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल है ना वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखे। इसी प्रेशर को सिर्फ हम लोग नाम दिए क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम और टू स्टे और प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। सच मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब ये जो वेपर्स बना किसी लिक्विड का, चाहे ये वाटर है, चाहे अल्कोहल है, चाहे मिल्क है, ये क्या करता है? इसी पे प्रेशर लगाता है। और ये जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है ताकि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज इन द वेपर फॉर्म, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे, इसी प्रेशर को हम लोग खाली नाम रखे क्या? तो बोलते वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये कौन लगा रहा है? तो वेपर्स लगा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? तो इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो एयर नहीं लगा रहा है, खुद वेपर्स ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। नीचे के मॉलिक्यूल में नहीं लगा सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई करता है? सरफेस पे, क्योंकि सरफेस का ही मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एट गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर और इसी प्रेशर को हम लोग खाली नाम रखे क्या? वेपर प्रेशर। मतलब इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड To exist in liquid vapor equilibrium, यानी जितना लिक्विड है उतना ही रहना चाहिए और जितना वेपर है उतना ही रहना। और such extra pressure is known as vapor pressure of liquid. और इसी हम लोग प्रेशर को नाम रखते हैं क्या? वेपर। मतलब जो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया वो क्या करता है? अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल को प्रेशर लगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या, हम लोग का जो बड़ा भाई होता है, सब जो भी इंडर्स है, बड़ा है, चाचा है, भाई है, कोई भी रिलेशंस होता है या टीचर्स होता है, वो क्या होता है कि बड़ा भाई को हम लोग क्या देखते हैं कि अपने टाइम में खूब मस्ती करते हैं। दे स्टार्ट जैसे मैट्रिक पास करता है घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ये करना, क्रिकेट खेलना, एडिंग बिडिंग सब चीज करना। तो हम लोग भी अपने प्लान में यही करके रखते हैं कि बस जैसे ही मैट्रिक का एग्जाम देना है फिर तो हम लोग को गर्दा उड़ा के घूमना है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हम जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं हम लोग का जो एल्डर्स ब्रदर है, कोई भी बड़ा भाई होता है, वो हम लोग पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा। जैसे ही बाहर निकलते हम लोग बोलता है पढ़ो, घर जाओ, अच्छा से तैयारी करो। तब हम लोग को लगता है कि हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं घूमेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बड़ा हो गया तो डिक्टेटर अपना रहा है, जबकि हम लोग छोटा ऐसा घुमा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बड़ा भाई क्या सोचते हैं कि हमने अपना लाइफ को तो अच्छे से स्पेल नहीं कर पाया और अच्छा से एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया, कम से कम जो मेरा छोटा भाई है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर ले, ये अच्छे से
कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज कर ले। इसलिए क्या करता है वो खुद का जो मिस्टेक्स किया था या गलतियां किया था उससे सीख लेते हुए अपने छोटा को क्या करता है वो गाइडलाइन देता है। जैसे बहुत बार क्या होता है टीचर्स बोलते हैं आईडी कर लो लड़के लोग के दिमाग में चलता है सर आप क्यों नहीं। ऐसा कहीं ना कहीं देयर इज सम मिस्टेक दैट अराइजेस इन आवर लाइफ। अब उस मिस्टेक को हम लोग नहीं सुधार सकते इसलिए हम लोग छोटे को गाइडलाइन करते हैं कि अगर तुम ऐसे कर लेगा तो लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही क्या करता है ये जो बड़ा होता है जो खुद का लाइफ इधर उधर मान लो हो गया वो क्या करता है अपने छोटे पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है ताकि इसके लाइफ का जो कैरियर होना चाहिए वो बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है। वैसे यहां कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल था ये खुद वेपर में जो कन्वर्ट हो गया आप तो ये जान रहे हैं वेपर में कन्वर्ट हो गया जैसे ढक्कन खुलेगा एयर में चले जाए। लेकिन जब तक ढक्कन बंद है या जब तक ये कंटेनर क्लोज है तब तक ये क्या करता है रेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करता है और उसी प्रेशर को खाली हम लोग नाम रखे क्या वेपर प्रेशर ऑफ इसमें हम लोग को कोई भी लीडर हम लोग को इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया तब वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसे नहीं और अच्छा करियर बनाना है तो ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। वैसे ये कि वेपर जो कन्वर्ट हो गया वो क्या करता है एक्स्ट्रा प्रेशर अफोर्ड करता है किसके सरफेस ऑफ लिक्विड ताकि जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल है वो लिक्विड स्टेट में ही रहे या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखे। इसी प्रेशर को कल हम लोग नाम दिए क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन तो इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ओवर द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड टू एग्जिस्ट इन लिक्विड या इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा इक्विलिब्रियम तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट एट द गिवन टेम्परेचर और सच एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या पढ़ना है कि फैक्टर्स क्या क्या है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। तो ये समझना है कि हमको प्रेशर लगाना कब पड़ेगा ज्यादा और कब कम लगाना। Whenever we require the more vapor pressure and whenever we require the less vapor. अब जैसे सपोज करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं A लिक्विड। अब इसके सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इसमें से दो ही मॉलिक्यूल हैं जो वेपर में कन्वर्ट। लेकिन अगर वही एक दूसरा कंटेनर लेते हैं B जिसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है मान लेते 10 मॉलिक्यूल्स दोनों में लेकिन इसमें से 6 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। अब ये दो मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएगा पेपर जो फॉर्म किया और ये 6 मॉलिक्यूल जो पेपर फॉर्म किया वो प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा यदि जिस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ पेपर ज्यादा फॉर्म करेगा उसका जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ज्यादा और जिसका नंबर ऑफ वेपर कम फॉर्म करेगा उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो कम। यानी जिस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब जिसका एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब वेपर में कन्वर्ट होने का पावर कम है उसका वेपर प्रेशर भी इसका क्या होगा लो और जिस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा हाई। अब प्रॉब्लम है कि एस्केपिंग टेंडेंसी किस पर डिपेंड करे भागने की क्षमता किस पर डिपेंड मान लो एक गैस में स्केप करना चाहता है तो किस पे ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना ज्यादा है। जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टाइम देखते रहते हैं देयर इज अ लेस इंट्रैक्शन एक घंटा नहीं हुआ दो घंटा नहीं हुआ लेकिन पिक्चर देखते हैं या खेलते हैं तो टाइम देखते हैं। तो वैसे जिस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ग्रेटर होगा तो उस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है लो तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा और जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपस में वीक होगा मान लेते वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जैसे ये वीक इसमें वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट मींस ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक कर जाएगा तो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या ज्यादा तो पेपर प्रेशर भी क्या होगा जैसे ये अल्कोहल जैसे अल्कोहल का ढक्कन खोलते स्मेल आना स्टार्ट कर जाता है वाटर का ढक्कन खोलते कहां स्मेल आता है मिल्क का ढक्कन खोलते कहां स्मेल आता है तो क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नंबर ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो हम लोग 11 में भी पढ़े
कि एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म द फोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसका मतलब इट हैविंग ग्रेटर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इसलिए जल्दी बांधता है। जब भाग ही नहीं रहा है मतलब एस्केप ही नहीं कर रहा है तो प्रेशर क्यों लगाएं? प्रेशर हमको किस में लगा जो भागना चाहता है। अब जैसे ही अल्कोहल है जिसको जैसे ढक्कन खोलते इसमें लाता है, इसका मतलब कि जैसे ढक्कन खोले इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है कि उसके खुद के वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपस में वीक होगा उसका वेपर प्रेशर हाई, क्यों? क्योंकि उसमें रेट ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी हाई, और जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ग्रेटर होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? स्मॉल, क्योंकि रेट ऑफ एस्केपिंग क्या होगा? जैसे सपोज करिए कि दो लड़का एक लड़का है कि अपना ठीक ठाक टाइम पे पढ़ लेता है, अपना रूटीन बना लिया कि चार घंटा पढ़ना है, पांच घंटा पढ़ना है डेली, वो कंटिन्यूअसली और कंसंट्रेशन करके एकदम पढ़ रहा है। अब उसको क्या प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगा या मान लो डांटना पड़ेगा? ऐसा नहीं। लेकिन जो लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, आधा घंटा पढ़ रहा है फिर कॉपी किताब, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जो होमवर्क नहीं बना रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। तो वैसे यहां पे जिस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी कम, दैट हैविंग लो पेपर प्रेशर, और जिस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी हाई उसका पेपर प्रेशर। यानी अगर हम फैक्टर्स का बात करें तो लिखने के लिए अलग, लेकिन याद रखने के लिए बीपी मतलब पेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस्केपिंग टेंडेंसी। अब ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल का फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग उतना पेपर प्रेशर कम, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितना वीक उतना एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा? हाई, और उतना पेपर प्रेशर। और यही चीज ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्यों? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि टेम्परेचर क्या कर सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हीटिंग करते हैं तो टेम्परेचर कैन इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है दैट ऑलवेज इंक्रीज द एस्केपिंग रेट। दैट मींस व्हाट? व्हेनेवर इट इज हीटेड, जहां आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे रहता है उसका काइनेटिक एनर्जी, और whenever its kinetic energy can increase it, that have more tendency to escape. तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेपर। तो उसका पेपर प्रेशर भी क्या होगा फिर? जैसे अभी तीन मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर 5 पेपर प्रेशर लगा रहा है तो तीन टोटल कितना लगाएगा? 15। लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर देंगे पता चला तीन की जगह 5 मॉलिक्यूल हो गए, तो पांचों प्रेशर लगाएगा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? जैसे हम लोग के पास अगर पैसा कम रहता है, एनर्जी कम, तो आराम से घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है बस दिमाग में पूरा बात चलना चाहिए। अगर मान लो 50 रुपये आ गया तो हम लोग अभी समोसा का याद आने लगता है, चाउमीन का याद आने लगता है, अगर उससे भी ज्यादा आ गया तो और कुछ, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते जाता है, हम लोग के माइंड का अनस्टेबिलिटी भी क्या होता है। तो वैसे यहां भी जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, और अगर स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो पेपर प्रेशर भी क्या होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ना यही याद रखना है कि पेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे मेनली बिलोंग कर रहा है, तो स्केपिंग टेंडेंसी, जिससे हम रीजनिंग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। पेपर प्रेशर बढ़ने के बाद ना हम लोग को पढ़ना है कि किस लिक्विड का पेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कब ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? वाटर का ज्यादा है कि इथेनॉल का ज्यादा है, कि पेट्रोल का ज्यादा है, कि डीजल का ज्यादा है? तो हाउ कैन यू नो? तो उसी को पढ़ने के लिए ना जो टॉपिक हम लोग यूज करते हैं वो होता है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग या दैट अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर हम क्या बताए थे कि नेचर, लक्षण जिसको बोलते हैं, यानी नेचर किसका नेचर? तो हम लोग लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड का नेचर। अब सपोज करिए कि एक लिक्विड ए, अगर इस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो इट कैन नॉट बी एस्केप और डिसोसिएट द बॉन्ड इजली। अब वो बॉन्ड ही डिसोसिएट नहीं करेगा, इसका मतलब इट डू नॉट हैव एनी एस्केपिंग टेंडेंसी, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा लो। इसमें बोलते याद रखना एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कोई एक अच्छा सा गाना निकाल करके,
किस चैप्टर के लिए क्या? तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस्केपिंग कंडेंसेशन और एस्केपिंग कंडेंसेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। कोई भी एकदम अच्छा सा गाना निकाल लो ये अपने ब्रेन के एक जीव में डाल दो क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग को सब रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर निकला। तो अगर कोई भी लिक्विड ए है जिसका मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है या दे हैव ग्रेटर केमिकल एफिनिटी टुवर्ड ईच अदर मतलब इस दोनों के बीच लगाव बहुत ज्यादा है, तो अगर लगाव बहुत ज्यादा है तब जो वेपर प्रेशर होगा लो होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कैन नॉट डिसोसिएट द बॉन्ड। अब बॉन्ड ही नहीं डिसोसिएट करेगा तो एस्केप कैसे करेगा? जैसे हम लोग को फेसबुक से लगा, अगर बहुत गुस्सा है एक दिन अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर शाम होते हैं तो इसको इंस्टॉल कर लेते क्योंकि इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत है। तो वैसे जैसे कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसी भी तो जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ग्रेटर होगा दे हैव द लेस टेंडेंसी टू एस्केप और अगर एस्केप कम होगा तो वेपर प्रेशर भी लो। जितना भी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड जैसे वाटर जैसे मिल्क जैसे एसिटिक एसिड जितना भी नॉन वॉलेटाइल है जो एस्केप नहीं करता है दे हैविंग वेरी लो वेपर प्रेशर। बस अब एक लिक्विड का मान लेते हैं कि बी है जिसमें मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बी और बी बहुत वीक जैसे पढ़ने के लिए बैठे घर में कोई बोले अच्छा बंद करो आज खेलना स्टार्ट बस तुरंत कॉपी किताब पर। वैसे यहां पे देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जैसे पेट्रोल के बीच वेंडरवाल फोर्स है ही नहीं थोड़ा सा एनर्जी देते हैं ये बॉन्ड क्या होता है ब्रेक कर जाता है। जैसे ही बॉन्ड करेगा ब्रेक हो जाएगा तो दैट हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप मतलब अब ये भी भागना चाहता है ये भी भागना एंड इट कन्वर्टेड टू द वेपर फॉर्म इजीली। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या होता है जो अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि अगर एक के लिक्विड मॉलिक्यूल को हम लोग कंटेनर क्लोज में छोड़ेंगे तो इसका मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल वेपर में लेकिन अगर यही बी मॉलिक्यूल को हम लोग सेम कंटेनर में सेम अमाउंट अगर हम छोड़ देते हैं तो ये पांच मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए वेपर फॉर्म में और ये दो वेपर फॉर्म। तो इसका जो प्रेशर होगा वो दो लगाएगा इसलिए कम और इसमें जो प्रेशर लगाएगा वो पांच मॉलिक्यूल मिलकर के लगाए इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होता है ग्रेटर। तो किसका? जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपस में वीक होना चाहिए दे ऑलवेज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन द पेपर फॉर्म देयरफॉर इट अप्लाइड मोर प्रेशर बाय द पेपर इसलिए इसका पेपर प्रेशर क्या होता है आर। लेकिन द मॉलिक्यूल व्हिच हैविंग ग्रेटर केमिकल एफिनिटी और मोर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन दे डू नॉट वांट इट टू एस्केप इसमें भी क्या होगा सम मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू द पेपर। अगर कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा तो वो कुछ ही प्रेशर लगा सकता है और वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी जितना हम देखते हैं कि मोर वॉलेटाइल लिक्विड है पेट्रोल डीजल एसीटोन एल्कोहल दीज हैविंग द ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या होगा क्यों? क्योंकि वैसे मॉलिक्यूल का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो वीक है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है तो वेंडरवाल और जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड है जैसे वाटर जैसे मिल्क दे हैविंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट हैव लेस टेंडेंसी टू एस्केप इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या होगा फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर क्या है तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वेपर प्रेशर। तो सिंपल याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दैट टेम्परेचर कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो जहां पहले पांच मॉलिक्यूल एस्केप कर रहा था 10 मॉलिक्यूल एस्केप कर तो अगर 10 मॉलिक्यूल एस्केप करके वेपर में बदलेगा तो 10 मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर लगाएगा दैट कन्वर्टेड टू द मोर वेपर। यानी टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट्स वेपर प्रेशर इज इंक्रीजेस मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं टेम्परेचर क्या कर रहा है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है विद द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल द
that have greater tendency to escape or it can be left over the surface of molecule. Therefore, it implied the more vapor pressure. तो ये brain में रहता है क्या कि जैसे जैसे हम temperature बढ़ाएंगे वैसे वैसे vapor pressure बढ़े और यही दो most important factor होता है और इस टेम्परेचर का वेरिएशन वेरिएशन मतलब मान लेते हैं एक बार हम टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ा दिए एक बार 40 डिग्री बढ़ा दिए कितना वेपर प्रेशर में चेंज हो उसको भी एक्सप्लेन किया जिसका नाम है क्लैप्रॉन क्लॉसियस इक्वेशन ये क्लॉसियस क्लैप्रॉन इक्वेशन जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसके लिए तो वेपर प्रेशर ऑफ लेकिन कुछ और चीज हम लोग इसमें फैक्टर्स में समझेंगे जो हम लोग को इस चैप्टर में सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगा लिक्विड में नहीं ये लिक्विड मतलब हो गया सिंगल कंपोनेंट और सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर देन वन कंपोनेंट मिक्स टुगेदर इसमें फिर लिखते जैसे थर्ड फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मतलब अब अगर हम लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें तो वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा मतलब क्यों क्योंकि जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे ना दैट आल्सो ऑक्युपाई द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जैसे मान लेते ये लिक्विड ए था एक दो तीन चार पांच छह छह मॉलिक्यूल सिर्फ ए का अब इसमें से जो कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गया ये क्या करता है क्लोज कंटेनर इस पे प्रेशर लगाएगा छह पे रोकने के लिए अगर इमेजिन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगा रहा है 2 atm का सरफेस पे तो छह मॉलिक्यूल पे रोकने के लिए कितना लगाएगा 12 atm का कब जब ये सिंगल लिक्विड है लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं मतलब नॉन वोलेटाइल जहां सॉलिड का बात आ गया मतलब वो कंसीडर करना है कि दे आर नॉन वोलेटाइल तो हम लोग के ड्यूअल में ज्यादातर क्या मिलेगा यूरिया ग्लूकोज चीनी सुगर बेंट तो ये सब दे आर व्हाट सॉल्वेंट वो सॉल्यूट में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसको तो सुगर को मान लेते सुगर ये बी कंसिडर करते इसको डिसॉल्व तो जब ये डिसॉल्व होगा तो ये भी तो कुछ जगह छेक लेगा सरफेस पे मान लेते हैं कि दो जगह चाहिए अब ये तो भागना ही नहीं चाह रहा तो ये जो हम लोग देख रहे हैं वेपर है वो किस किस पे प्रेशर लगाएगा तो सिर्फ ए पे लगाएगा ए कितना बचेगा चार पहले कितना था छह अब कितना बच गया चार यानी पहले हम लोग क्या निकाले थे 2 × 6 = 12 प्रेशर लगा रहा लेकिन अब कितना बच गया 2 × 4 = 8 यदि when we dissolve the solute, it occupies the subsurface area of the liquid solvent, therefore it decreases the vapor pressure. वो क्या करता है? Vapor pressure. Because it decreases the escaping tendency of molecule. क्योंकि अब चार ही molecule escape कर सकता है. जब चार molecule escape करेगा, तो pressure भी हमको कितने का लगाना पड़ता है? चार. जैसे एक example समझा. Suppose करिए कि auto हम लोग ना book करके जा रहे हैं, हमें station जाना है, चार घंटे अब अगर ये ऑटो है देखिए कोई पैसेंजर है ही नहीं नेक्स्ट तो हम ड्राइवर को बोले चलिए हम सबका भाड़ा दें मान लेते हैं कि इस ऑटो में 5 या 10 पैसेंजर टोटल बैठे अब सपोज हम अकेले बैठे ड्राइवर को बोले चलिए हम सबका भाड़ा देंगे 10 पैसेंजर सीट करता है अगर हमको कोई नहीं बैठे रहे हम अकेले रहे हमको तो 10 का सीट का फेयर देना पड़ेगा ठीक ठाक लेकिन जैसे हम थोड़ा दूर ट्रैवल किए इसमें से 2 पैसेंजर और आ करते अब जैसे ही 2 पैसेंजर बैठेगा तो हमको क्या 10 पैसेंजर का फेयर भाड़ा देना पड़ेगा कितने का देना पड़ेगा रेस्ट कितना बच गया 8 क्योंकि टोटल कितना बैठता है 10 अब एक हम दे रहे थे 10 का भाड़ा जिसमें रेस्ट कितना बच रहा है 2 तो नेक्स्ट पैसेंजर आ गया तो कितना बच गया 8 यानी हमको कितने का भाड़ा सिर्फ देना पड़ेगा 8 अगर इमेजिन करिए और इसमें पैसेंजर आ जाता 2 तो टोटल 4 पैसेंजर तो 10 के जगह 4 तो पैसेंजर आएंगे सिर्फ रेस्ट कितना बचा है 6 यानी आपको फेयर कितने का देना पड़ेगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर यहां पे हम लोग कोई भी सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होता है अगर डिसॉल्व कर देंगे तो सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल लिक्विड का बचे उतना ही वो प्रेशर क्योंकि कुछ जगह कौन चेंज लेगा सुगर या सॉल्यूट
यार सपोज एक और एग्जांपल हम बता देंगे, मान लेते हैं एक प्लेट में अगर 10 रसगुल्ला है, हम अकेले खा लेते हैं, अगर कोई नहीं है तो हम अकेले 10 का 10 खाएंगे, अकेले है उसको बोलते हैं हम लोग प्योर लिक्विड या सिर्फ लिक्विड का बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कोई फ्रेंड आ गया मेरा, हम उसको ऑफर करते लो रसगुल्ला, तब हम अब 10 नहीं खा सकते, कितना खाएंगे हम, वो डिपेंड करता है कि एक कितना खाता है। अगर 10 में से 1 और 2 खाएंगे तो हम कितना खा सकते हैं, रेस्ट 8। अब अगर 10 में से ये 8 खा गए तो क्या होगा, मान लो हमने, लेकिन हम रेस्ट कितना खा सकते हैं, सिर्फ 2। वैसे जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे तो रेस्ट जितना मॉलिक्यूल लिक्विड का बच जाएगा उसी पे प्रेशर होगा। यानी जैसे जैसे हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बिकॉज dissolving of solute in a liquid always occupy some surface area of the liquid component and decrease their escaping energy. Therefore, its vapor pressure is also decreases. इसलिए vapor pressure भी क्या होता है, decreases. तो ये most important factor है जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा Rawls law में भी आगे भी। और जो fourth factor है ना वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड कंटेनर। मतलब सरफेस एरिया जो हम लोग यूनिट का बात नहीं कर रहे, जैसे यूनिट सरफेस एरिया लेंगे तब तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज ऑलवेज सेम, लेकिन हम बात करें एस्केपिंग टेंडेंसी का, नॉट फॉर द यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी या टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन द वेपर फॉर्म इज इंक्रीज। मतलब अगर लिक्विड है एक छोटा कंटेनर में रखा और यही लिक्विड को हम एक बड़ा कंटेनर, बड़ा मुंह वाला कंटेनर में, तो इसमें जो सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो 5, इस पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा मान लेते हैं कि 10 या 15, तब ये ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी ऑक्युपाई कर सकता है ये का। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी क्या होगा, हाई। तो इसके लिए प्रेशर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, और ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी क्या होगा, लो। तो प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक टर्म्स याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम। अगर पूछेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो इज ऑलवेज सेम इन एनी कंटेनर, चाहे सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर छोटा हो या बड़ा, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। क्योंकि जब हम वेपर प्रेशर निकालेंगे तो सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के, या यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 cm³, चाहे एरिया ऑफ कंटेनर छोटा हो। और हम लोग जब रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है या किसमें सरफेस एरिया कम, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा कि सरफेस एरिया मतलब यूनिट वॉल्यूम नहीं, एनी ऑफ द वॉल्यूम दैट गिवन इन द कंटेनर। तो हम लोग किसी भी वॉल्यूम का अगर हम बात करेंगे तो वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा या सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। इस पे जब हम कंप्लीट निकालना चाहेंगे, लेकिन अगर हम यूनिट का निकालेंगे 1 cm³ या 1 m³ यूनिट वॉल्यूम लेंगे तब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज सेम। तो ये दो फैक्टर है जो हम लोग को ना रीजनिंग क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगी, रॉल्स लॉ पढ़ने में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने में हेल्प करेगी। और ऐसे वेपर प्रेशर का फैक्टर पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही फैक्टर है, नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा क्या टेंपरेचर। अब इसी से कोरिलेट करके हम लोग को पढ़ना होता है क्या, रॉल्स। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट में प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, उसमें से ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, या अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आइडेंटिफिकेशन करने आएगा कि किस मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर हाई है और कौन सा मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर लो। तो अगर हमको हाई और लो का जस्टिफिकेशन करना है तो क्या करना है कि उसको डायरेक्ट कंसिडरेशन या डायरेक्ट उसको हम लोग कंपेयर करना है किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी, और एस्केपिंग टेंडेंसी को किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। इससे जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड क्या, तो वाटर का वेपर प्रेशर लो है, क्यों, बिकॉज इन वाटर their molecules are interacted together by strong force of interaction that is hydrogen bond, so it have less tendency to escape their molecules in vapor form, therefore it have less vapor pressure। lekin wahi aayega question ki petrol ya alcohol ka vapor pressure hai,
एल्कोहल मतलब इथेनॉल। अब इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्यों आएगा? तो अगर हम कंसिडरेशन करें कि वाटर और इथेनॉल के सिस्टम में, हम क्या कह रहे कि वाटर H2O और इथेनॉल C2H5OH। एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, लेकिन इथेनॉल तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और उसमें भी हाइड्रोकार्बन पार्ट ग्रेटर है, इसका मतलब इसका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो वीक है, इसका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग। यानी इट कैन बी डिसोसिएट द बॉन्ड इजीली, और अगर बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर रहा है तो इट कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू द पेपर फॉर्म। इसलिए इसका पेपर प्रेशर क्या होगा? हाई। और इसका पेपर प्रेशर क्या होगा? तो ऐसी क्वेश्चंस आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम एल्कोहल में भी कंपेरिजन कर दे इथेनॉल ग्लाइकोल तो खोपड़ी लगाना है हम लोग को अपना। क्या कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पे। अब इसमें देख रहे कि एक ही OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें तो दो दो OH ग्रुप, तो सबसे पहले तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, अदर मॉलिक्यूल ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। दैट मींस व्हाट? इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो इसके कंपैरेटिवली स्ट्रांग आएगा। क्या आएगा? इसके कंपैरेटिवली स्ट्रांग आएगा। इससे कंपेयर करें किससे? इसमें एक OH और इसमें दो। तो अगर इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ग्रेटर होगा किसके कंपैरेटिवली? इसके। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इससे लो। और इसका तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इस दोनों से हाई है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सबसे लो होगा, वेरी लो। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग? तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से, जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर आ गया तो वेपर प्रेशर उसका उतना ही, और जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितना वीक आ जाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही। इसलिए जितना भी मॉलिक्यूल है जिसका वेपर प्रेशर वीक, उसका वेपर प्रेशर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, बिकॉज इट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को भी दिमाग में रख के कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर बहुत, जबकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, इसका मतलब उससे थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा दैट कैन बी कोरिलेटेड विद द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर अगर हाई होगा मॉलिक्यूल का तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ही, जैसे पेट्रोल, जैसे क्या बताए थे एल्कोहल, दीज आर द वॉलेटाइल विच कैन बी एस्केप इजीली, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर एकदम हाई। और जिस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है जैसे वाटर मिल्क, तो वैसे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या होगा? और नेक्स्ट रिस्टिंग क्वेश्चन क्या आता है? टेम्परेचर की, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस दैट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, और विद इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, and more liquid converted to the paper form, therefore its paper pressure is increased। अब आज हम लोग यही तक पढ़ते हैं, थैंक यू। और आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा जितना भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रॉब्लम है कि हम लोग ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप में क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, सब चीज डाल रहे हैं, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना पड़े, और जो भी डाउट होता है, जो भी होता है, आप उस पर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, हम जैसे ही देख करके उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस बच्चे का मान लीजिए अभी पढ़ाई नहीं हो पा रहा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो घर पर बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सके। पढ़ाई करने से क्या होगा? उसका कंटिन्यूड रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग उतना ही अच्छा से नोट्स, ठीक है।